सीओ जिले के मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम आमला में हुई है, जहां दो भाइयों के बीच जमीनी विवाद के चलते गोलाबारी हो गई। रघुवंशी समाज के राम रघुवंशी ने अपने छोटे भाई बनवारी रघुवंशी को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से बनवारी को सीहोर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों भाइयों के बीच पिछले कई दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बनवारी, जो पहले विवाद से बचने के लिए गुजरात काम करने चला गया था, हाल ही में गांव वापस आया था। जब वह आज सोयाबीन कटवाने के लिए हार्वेस्टर लेकर खेत पर पहुंचा तो राम रघुवंशी ने उस पर गोली चला दी। फिलहाल मंडी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और अस्पताल पहुंच गई है। सीहोर से ईएमएस टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट। अबे जमीन कटाने लाया था मशीन, हार्वेस्टर तीन फेर दियो ने, दूसरी चौथी लाया तो नाना छोरा में गोली मार दी है। बंदूक अपने घर पे थी क्या? वो कहने घर लाइसेंस की थी, बिगड़ लाइसेंस के बोले कट्टे धरे फिरे सदा को मैंने लिवा दियो तो जेल कट वाले यहाँ घर मांगियो तो ले ले। आपने कभी समझाया नहीं बड़े वो समझाया? वो समझा ही नहीं, जेल कट वाले 20 साल जेल रही हो, 3 मर्डर कर दिया हो, बात भी नहीं समझ यही समझ में ओके। हम दिल्ली से बारी करवा को लाया ओके, पर वो समझ में ही नहीं आ रही कई कारण। तो गोली मार दी हाईवे रोड पे बैठे देखा गोली मार दी उन्हें। सर वे 2 साल तक तो गुजरात लिया लड़ाई कमारे कि मर जब तुम्हारी औलाद मुंडा बहन देखेगी खेती कई कर दो, फिर इन माए बाप की दरेक देख के आया कि बूढ़ा बाप माए उन्हें नीरा के बाप माए के भगा दिया उन्हें। फिर इनने अदालत केस लड़ियो, बाप माए ने केस लगायो, हिस्सा वहां से करके दिया अदालत से तहसीलदार ने, और छोरी की बिकी तो भाई नासी कह दी की बेन खे क्यों बुरी करा अपन, अदालत से 3 हिस्सा करके दिया करी दी थी वहां ससुरा ने। जमीन को लेके विवाद हुआ मतलब? हाँ। तो कौन ने मारी थी गोली? श्री राम ने मारा जेठ ने। अच्छा। और बड़ा छोरा ने लकड़ी मारी हाईवेस्टर पे चढ़ गो, फिर उन्हें श्री राम ने गोली मारी। कौन थे आपके जेठ? नहीं, जिनको गोली लगी वो कौन है? आदमी पति